ज्ञानवापी सर्वे पर फिलहाल रोक रहेगी। 3 अगस्त को आएगा हाईकोर्ट का फैसला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की। 3 अगस्त को अब हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। जज ने पूछा कि एएसआई की कानूनी पहचान आखिर है क्या। अब कोर्ट 3 अगस्त को इस पर फैसला सुनाएगा। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये आया है सामने कि अब 3 अगस्त को ज्ञानवापी सर्वे पर पूरा फैसला सुनाया जाएगा कोर्ट की ओर से। तो दोनों पक्षों की दलीलें आज सुनी हाईकोर्ट ने, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। अधिक जानकारी के लिए राजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए फैसला अब सुरक्षित रख लिया गया है, 3 अगस्त को कोर्ट फैसला सुनाएगा। बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने 3 अगस्त का समय 3 अगस्त का समय लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि माहौल खराब ना हो, इसको देखते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनी गई है। उसके बाद 3 अगस्त का टाइम रखा गया कि 3 अगस्त को हाईकोर्ट का फैसला आएगा कि आगे अब क्या कुछ करना है। एक तरफ जहां हिंदू पक्ष यह कह रहा है कि सर्वे होना चाहिए, तमाम तरह के जो है मूर्तियां और मंदिर के अवशेष वहां पे मिल रहे हैं, ऐसे में मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा था कि अगर वहां पे खुदाई होगी पुरातत्व विभाग के तरफ से और वहां पे जो बताया जा रहा है सर्वे करने का जो तरीका है, तो ऐसे में जो स्ट्रक्चर है वो प्रभावित होगा, टूट भी सकता है, हजारों साल पुराना बताया जा रहा है। यही वजह रहा कि कल भी पूरी तरह से दोनों तरफ से दलील सुनने के बाद आज का समय रखा गया था कि आज भी सुना जाएगा, और आज भी दोनों तरफ दोनों पक्षों का दलील सुनने के बाद अब 3 तारीख को 3 अगस्त को फैसला आएगा कि कोर्ट का क्या डिसीजन है, क्या सर्वे होगा या नहीं होगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी, राजीव, जो दोनों पक्षों ने, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष ने, दोनों ने अपनी आज दलील रखी, उन दलीलों में आखिर क्या क्या था, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार सर्वे पे रोक लगाने की मांग कर रहा है कोर्ट से। ठीक है, मुस्लिम पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि सर्वे से कुछ फायदा होना नहीं है। जहाँ तक जो आरोप हिंदू पक्ष का है कि यहाँ पे तमाम जो है अवशेष सर्वे हुए हैं, मंदिरों के या देवी देवताओं की मूर्तियां निकल रही है, कमल के फूल के तमाम जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो चीजें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे खुदाई की जाती है सर्वे के लिए, तो जो मस्जिद का जो ढांचा है वह प्रभावित होगा और हो सकता है कि टूट भी जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का दलील है कि हजारों साल पुराना मस्जिद है और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, माहौल बिगड़ सकता है खुदाई होने के बाद। तो दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने निर्णय लिया कि 3 तारीख को 3 अगस्त को जो फैसला दिया जाएगा। अभी इस पर और विचार विमर्श हो सकता है कि कोर्ट अपने स्तर से करें। वही हिंदू पक्ष का भी ये दावा है कि देखिए जो भी मुस्लिम पक्ष अपने हिसाब से अपनी बात रखना है, लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ पे जो है मंदिर था और मंदिर को तोड़ करके ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया है। ऐसे में तमाम चीजें लगातार शुरू से अगर देखा जाए, चाहे वजू खाने की बात की जाए या तमाम जो वहाँ पे नंदी गाय है उसकी बात की जाए, तो तमाम तरह की दलील दी गई है और तमाम तरह की बातें सुनने के बाद फिलहाल जो सर्वे जो होना था पुरातत्व विभाग से उस पर रोक लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था मुस्लिम पक्ष को कि आप लोग एक बार फिर हाईकोर्ट जाइए, इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए, देखिए वहाँ पे क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। तो और सबसे महत्वपूर्ण जो दिन है वो 3 अगस्त का दिन है कि 3 अगस्त को जो है क्या फैसला सुनाता है इलाहाबाद हाईकोर्ट। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे थे ज्ञानवापी सर्वे को लेकर, ये बड़ी खबर जहाँ पर फिलहाल जो सर्वे होने वाला था उस पर रोक लगा दी गई है। 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा अब कोर्ट।